हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस, आज के इस वाले गेम प्ले में तुम्हें जो स्नाइपिंग देखने को मिलने वाली है ना, मतलब उस स्नाइपिंग को देखने के बाद तो आपको कतई मज़ा आ जाएगा। और इस वाले गेम प्ले में मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से खेल रहा था, मतलब कि घुस घुस के पेलो कहीं पर भी होल्ड नहीं करा एक सेकेंड का भी, भाई घुस घुस के बस मारा ही मारा है। तो भाई गेम प्ले को पूरा देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। खैर अभी फिलहाल की बात करें तो इस वाले मैच की शुरुआत होने वाली है अपने जोर्जो पोल से, और प्लेन पर आपने नाम पढ़ा हो तो किसी लड़की का है, गर्ल गेमर का, सालिनी करके कुछ नाम था। तो देखो भाई क्या हमारी उससे फाइट होगी, खैर वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। और भाई जोर्जो पोल में होता क्या है कि मेरे को जो गन मिलती है ना उसकी एमो खत्म हो जाती है जब हम जोर्जो सिटी की तरफ रश कर रहे थे, तो मेरी टीम में जो रैंडम गर्ल गेमर खेल रही है ना भाई, ये मेरे को गन देती है। अब देखो मैं इनके साथ ना पहले कभी खेला और ना मैंने जानता हूं, तो मेरे लिए तो ये रैंडम ही हुई। खैर अभी फिलहाल की बात करें तो देखो हम उतर चुके हैं जोर्जो पोल, और जोर्जो पोल में हमारे अलावा दो स्क्वाड और आ रखी थी। तो सबसे पहले यार गन ढूंढते हैं। अब यहाँ पर यार मेरे को उजी मिल जाती है, एंड उजी लेने के बाद यार मैं आगे की तरफ रस करने लगता हूँ। अब थोड़ी लूट वगैरह करने के बाद मेरे को शॉटगन भी मिल जाती है, और अभी फिलहाल की बात करें तो जो बंदे थे ना भाई वो मेरे ठीक सामने वाले वेयर हाउस में थे। टावर पे चला गया। एंड मेरे भाई मैच के स्टार्टिंग में यार आपको देखने को मिला 1v2, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। तो देखो यार एक लाइक करना आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस यार मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, तो उस लाइक वाले बटन को ब्लू जरूर कर देना, दबा दो। खैर अब इसके बाद क्या देखिए, इनकी क्रेट से मेरे को यार कार 98 मिल जाती है, और जैसी कार 98 मिलती है तभी सामने की तरफ बंदा दिखता है। और मेरे भाई कैसा लगा यार ये वाला हेडशॉट, मतलब लिटरली यार ये वाला हेडशॉट ना मैंने बोल के मारा था कि भाई देखो अब हेडशॉट मारूंगा, और सच में मैंने हेडशॉट मार दिया। अब इसके बाद क्या था कि यार सामने वाले स्क्वाड का एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, तो ये टाइम था रस करने का। अब जैसे इधर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक बंदा उसको रिवाइव देने जा रहा है, और मेरे भाई यहाँ पर मैंने उसको बॉडी शॉट मार दिया था। अब इसके बाद मेरे को ये पता था कि ये काफी ज्यादा लीट होगा, तो भाई साहब मैं सीधा घुस जाता हूँ, और देखना भाई साहब क्या ही सीन होने वाला है। अब किसी पे पैन ना तो लेके चढ़ जाओ, बहुत अच्छी टूट गई। अब यहाँ पे स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर था, लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आई कि ये बंदा एकदम से नीचे क्यों कूदने लगा, शायद डर गया होगा। अब इसके बाद क्या था कि यार यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, और इसकी क्रेट से मेरे को M24+8X मिल जाता है। तो भाई जिंदगी में और क्या चाहिए। अब इसके बाद क्या था कि इसकी क्रेट से मैं M24+8X ले लेता हूँ, एंड इसी के साथ क्या था कि अपना जोर्जो पोल क्लियर हो जाता है। अब हम जोर्जो पोल से निकल ही रहे थे, लेकिन तभी यार जोर्जो सिटी से फायरिंग होती है, जैसे कि आपने मैप में मार्क भी देख लिया होगा, मार्क आ चुका है। तो भाई मैं जोर्जो सिटी की तरफ अकेला रस करने लगता हूँ। अब जैसे मैं अपने गन्स की तरफ ध्यान देता हूँ तो मेरे पास उजी थी जिसमें कि सिर्फ नाम मात्र एमो थी। मैं अपने टीममेट से गन मांगता हूँ कि भाई कोई मेरे को एक एआर गन दे दो, लेकिन भाई कोई भी नहीं देता क्योंकि सबको किल्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो हमारी टीम में रैंडम गर्ल गेमर है भाई ये मुझे गन देती है। खैर अभी फिलहाल की बात करें तो यार जैसे ही मैं इधर आता हूँ तभी सामने की तरफ एक बंदा दिखता है, और अब देखो ये वाला हेडशॉट। आगे आगे भागे जा रहे हो, इतना कहाँ से पकड़ूं तुम्हें? और मेरे भाई कैसे लगा यार आपको ये वाला हेडशॉट? खैर जैसे इसको नॉक किया तभी इसका दूसरा टीममेट दिखाई देता है। अब इतने में मेरे टीममेट्स भी आ चुके थे, और भाई मैं इनसे गन मांग रहा था। मैं दे रही हूँ। और भाई यहाँ पर हमारी टीम में जो रैंडम गर्ल गेमर है वो मेरे को बैरल दे देती है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैरल+4X। और यहाँ पर अगर आप किल फील्ड पे ध्यान दे रहे हो तो हमारे मैच में जो गर्ल गेमर आई थी जिसका प्लेन पे नाम था भाई, वो तो बंदे पहले थी, वो भी M4 ग्लेशियर के साथ। भाई साहब खैर अभी फिलहाल की बात करें तो सामने वाले स्क्वाड के दो बंदों को हमने नॉक कर दिया था। और मेरे भाई क्या कहना चाहोगे यार इस वाले सीन पे, मतलब बंदों को हवा में नॉक कर दिया। अब इसके बाद कहते हैं कि दो बंदे नॉक थे तो ये टाइम था रस करने का। अब जिस बंदे को मैंने सबसे पहले नॉक किया था वो इतने में रिवाइव हो जाता है। चलो
अब इतने यार मैं सामने की तरफ रश करता, इतने में मेरे टीममेट्स रश करके इस वाले स्क्वाड के लास्ट वाले बंदे को मार देते हैं एंड इसी के साथ जोर्जो सिटी की स्क्वाड वाइप हो जाती है। अब यहाँ पे यार आपको बैरल फोरेक्स कैसा लगा भाई? अच्छा लगा हो तो उस सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर से दबा देना, मतलब अगर अभी मजा ना आयो ना तो भाई एक और सीन दिखाता हूँ एंड इस सीन के बाद तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अब देखो यार जोर्जो सिटी से हम बग्गी लेके निकलते हैं रोजो की तरफ, मतलब हमारे पास फ्लेयर भी थी तो हमको फ्लेयर भी चलानी थी। अब यहाँ से हम चुपचाप निकल ही रहते और ना हमारे ऊपर कोई फायरिंग आती है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तभी अब हम चुपचाप यार स्कूल अपार्टमेंट जा रहे थे फ्लेयर चलाने के लिए, लेकिन तभी यार पीछे से वाटर सिटी की तरफ से फायरिंग होती है। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई चल यूएस मॉड फटाक से अब इन बंदों की वाट लगाई जाएगी और यहाँ पे फिर से आपको स्नाइपिंग देखने को मिलने वाली है, तो रेडी हो जाओ भाई साहब। क्यों भाग रही है, जल्दी दौड़ना। अब मैं जैसी तरह आता हूँ तभी सामने की तरफ बंदा दिखाई देता है। अब जैसे मैं इसको ये वाला शॉट मारने वाला था तभी यार वो अपनी जगह से हट जाता है, तो ये वाला शॉट तो मिस हो जाता है लेकिन अगला नहीं होने वाला भाई साहब। अरे 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 हम तो अब सामने वाले बंदे के पास लेवल 3 था लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको हेड मार दिया और तभी मेरा टीममेट उसको M4 से गोलियां मार देता है तो वो हो जाता है नोक। अब वो जैसे ही नोक होता है भाई तुम्हारा भाई तुरंत रस कर देता है और अब जो सीन आने वाला है उस सीन को देखने के बाद तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बस देखते जाओ। अब जो हमारी गर्ल गेमर थी ना जिसका प्लेन पे नाम था भाई, क्या ही धड़ाधड़ बंदे पेल रही है। हैंड मेरे भाई इसी के साथ हो जाती है यार ये वाली स्क्वाड भाई, मतलब इन दोनों बंदों के तो लिटरली मैं मुंह पे आके आइस बॉल बना के इनको इजीली मार देता हूँ। तो मेरे भाई इस वाले सीन के लिए तो सब्सक्राइब बनता ही बनता है, तो यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई सब्सक्राइब कर दो, वो छोटी सी चीज है, और बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर देना जिससे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। अब इसके बाद क्या था कि यार मेरा पूरा फोकस था कि हाँ भाई जिस लड़की का नाम प्लेन पे था उसको जरूर से मारना है, लेकिन यार हम जैसे यहाँ से जा रहे थे तभी किल फील्ड में ये आता है। अब वो लड़की तो मर गई थी, अब इसके बाद कहते हैं कि यार हम बाकी के बंदों को ढूंढ रहे थे, मतलब मेरा बड़ा मन था यार उससे फाइट लेने का भाई, बहुत ही पीरो गर्ल गेमर थी भाई, क्लच पे क्लच करे जा रही थी M4 ग्लेशियर के साथ। अब इसके बाद हम बाकी के बंदों को ढूंढ रहे थे और हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो भाई मेरे को पीछे गाड़ी दिखती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम इतने बाकी मतलब बंदों को ढूंढो। अब यहाँ पर मैं जैसी मेरे को गाड़ी मिलती है तभी मेरे टीममेट्स को कुछ बंदे स्पॉट हो जाते हैं और अब देखो भाई सब अगेन आप स्नाइपिंग। Marked a location. देख लेटा हुआ दिख रहा है तेरे को, कुपड़ी बोल दे उसकी। अब यहाँ पर यार मैंने बिल्कुल हेड पे एम करके मारा लेकिन उसके बावजूद बॉडी पता नहीं क्यों लगा। एक और है। और भाई ये वाला शायद बॉडी मारा मैंने उसको। अब ये शॉट मिस हुआ, मतलब इस वाले बंदे पे दो शॉट मिस हो गए थे लेकिन इसके टीममेट को भाई साहब मैं तुरंत नॉक कर देता हूँ। अब जैसे इस वाले स्क्वाड के दो बंदे नॉक हुए ना भाई बाकी के दो बंदों में कहीं भगदड़ मच जाती है और भाई फाइनली जो बंदा मेरे से पंगे ले रहा था उसको मैं कर देता हूँ नॉक। तो अब सामने वाले स्क्वाड का सिर्फ एक ही बंदा बचा था, तो भाई साहब ये टाइम था रस करने का। ये बंदा यार काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा था, मतलब इसने ऑलमोस्ट मेरे को चलती गाड़ी से उधार ही दिया था लेकिन एंड मोमेंट पे आके मैं इसको इजीली मार देता हूँ एंड इसी के साथ हो जाती है ये वाली स्क्वाड वाइप। अब यार जोन में हमारे अलावा दो बंदे बचे थे तो भाई मैं यहाँ पे रुकता हूँ, हील वगैरह करता हूँ और अब ढूंढना था दोनों बंदों को। अब सर्कल जो था यार वो थोड़ा बड़ा था तो मतलब हम डिसाइड करते कि हम यहीं पे होल्ड करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट सर्कल बनेगा भाई तब हम उन दोनों बंदों को ढूंढने निकलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर खड़ा होकर मैं M249 रिलोड कर रहा था एंड जैसे ही सब कुछ हील वगैरह मैं कर लेता हूँ तो अब गैस करो आप मैं आइस वॉल से क्या करने वाला हूँ, मतलब गैस करो अपने दिमाग में और सच सच बताने कितने लोगों को लगा कि मैं ये करने वाला हूँ। अभी पता चले वेंचर ऐसे करते करते मैं बंदों पे चढ़ा दे तुम्हें। अरे
अब यहाँ पे मैं आइस वॉल बना के इसकी छत पे चढ़ जाता हूँ कि आसपास से कोई दिख जाए। लोकेशन। अब जैसे छत पे चढ़ा तभी पीछे की तरफ टीममेट्स को बंदे स्पॉट होते हैं। और भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने ज्यादा लेवल 3 के हेलमेट आ कहाँ से रहे हैं। मतलब जिसको मारू भाई उसके पास लेवल 3 है, मतलब हेडशॉट मारने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अब सामने वाले बंदे को मैंने हेड मार दिया था तो ये टाइम था रस करने का, तो भाई मैं सीधा रस कर देता हूँ। और मेरा टीममेट बोलता है कि भाई हो सके तो इसको M24 से मारेंगे। अब सामने वाला बंदा काफी ज्यादा अच्छा है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेता। अब देखो भाई बस आप एंड मेरे भाई इस बंदे को मारने के साथ हो जाता है अपना विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस कैसे लगा यार आपको आज का ये वाला गेम प्ले? और देखो मेरे को टैग पे कौन सा मिला है, हेडशॉट मास्टर का, क्योंकि बहुत ज्यादा हेडशॉट मारे। वो अलग बात है कि आधे से ज्यादा बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट था, लेकिन उसके बावजूद देखो तुम्हारे भाई ने हेड तो मारे हैं। तो इस बात पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। और यार देखो अगर हमारी टीम में जो गर्ल गेमर खेल रही है वो अगर मेरे को जॉर्जोपोल सिटी की तरफ रश करते टाइम गन ना देती ना, तो शायद ही ये वाला गेम प्ले निकलता। तो भाई इनको भी थोड़ा सा क्रेडिट जाता है। और यार मेरा बड़ा मन था कि जिस गर्ल गेमर का नाम प्लेन पे आया ना उससे फाइट लेने का, लेकिन यार वो किसी और से मर जाती है। तो यही था आज का गेम प्ले। अब गेम प्ले अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और यार इंस्टाग्राम पे याद से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर यार मैंने नई फोटो वगैरह डाली है। तो जाकर बताओ कैसी है वो। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को फिर से एक और न्यू धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले। पीस।